नीतीश जी क्या क्या बातचीत हुई प्लीज बिहार को लेकर सर प्लीज क्या बातचीत बहुत अच्छा बता देंगे अगली मीटिंग कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नीतीश जी क्या क्या बातचीत हुई प्लीज बिहार को लेकर सर प्लीज क्या बातचीत बहुत अच्छा बता देंगे अगली मीटिंग कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए हम उस वक्त वहीं खड़े हैं जहां पर विपक्षी एकता की बैठक हुई थी और इस विपक्षी एकता में कोई बड़ी बात तो निकलकर सामने नहीं आई। जो चेहरे की बात कही जा रही हालांकि उस पर कोई औपचारिक मुहर तो नहीं लगी लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार यहां से आउट हो चुके। हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि यही वो बैठक चल रही थी जहां पर तमाम सारे नेता मौजूद थे और लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार को इसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, नीतीश कुमार को वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है और अगर जिम्मेदारी नहीं मिली है तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। लालू प्रसाद यादव का बयान आपने सुना, लालू प्रसाद यादव मीडिया से जब मीडिया के लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो लालू प्रसाद बिल्कुल भी जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और ये चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। क्या बिहार की सियासत में कोई नई आहट अब देखने को मिल सकती है। लंबे समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाएगा लेकिन उनके नाम पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर चर्चा हुई और दो चेहरे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का समर्थन किया है तो क्या यह माना जाए कि चेहरा पीएम पद को लेकर के जो सामने आ रहा था वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे, नीतीश कुमार आउट होंगे। अगर नीतीश कुमार आउट होते हैं तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बागी हो सकते हैं, यह अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी कुछ भी बोलने से इनकार किया नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ। जब सवाल पूछा गया लालू प्रसाद से जब सवाल पूछा गया तो उन दोनों नेताओं ने बोलने से इनकार किया। नीतीश कुमार भी कुछ मीडिया के सामने वो भी नहीं कहते नजर आए। नीतीश जी क्या क्या बातचीत हुई प्लीज बिहार को लेकर सर प्लीज क्या बातचीत बहुत अच्छा बता देंगे अगली मीटिंग कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नीतीश जी क्या क्या बातचीत हुई प्लीज बिहार को लेकर सर प्लीज क्या बातचीत बहुत अच्छा बता देंगे अगली मीटिंग कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जाहिर सी बात है जो एक उम्मीद थी वो उम्मीद नीतीश कुमार की यहाँ पर टूटती नजर आई। और अगर नीतीश कुमार की उम्मीद टूटी है तो निश्चित रूप से जो लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषक इस बात के कयास लगाते रहे हैं कि क्या अगर नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार नए सिरे से कुछ सोच सकते हैं। और नीतीश कुमार का नए सिरे से सोचना मतलब बिहार की सियासत ही नहीं देश की सियासत में एक बड़ी आहट होगी। इस बात का हम सबको रहेगा इंतजार कि आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर अब जो इंडिया गठबंधन की एक अगली बैठक होगी और उस बैठक में क्या परिणाम निकल करके सामने आएंगे, क्या उस बैठक में नीतीश कुमार फिर से शामिल होंगे और नीतीश कुमार कि अब प्रतिक्रिया का इंतजार है कि वो इस बैठक को कैसे देख रहे हैं, ये सबसे देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ आशीष अभिनव दिल्ली बिहार तक।